अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं काली मसूर की दाल, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने काली मसूर 200 ग्राम ली है, उसमें 50 ग्राम चने की दाल मिलाई है, क्योंकि चने की दाल मिलाने से टेस्टी होती है और काली मसूर की दाल में लसापन बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए चने की दाल मैं मिला करके ही बनाती हूँ। और ये एक टमाटर तड़का के लिए, ज़ीरा, तेज़पत्ता और एक इलायची, ये दो प्याज काट के रखी हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और कुछ हम सूखे मसाले इसमें लेंगे, जिसमें से कि एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, ये आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स हमने गैस पे कुकर रख दिया है और हम इसमें तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब तेल हमने डाल दिया है बड़े चम्मच से। अब इसमें हम ये जीरा, तेजपत्ता और इलायची डाल देंगे। अब हम ये प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज को फ्रेंड्स अच्छे से लाल कर लेंगे। फ्रेंड्स प्याज अच्छे से लाल हो गई है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये जो सूखे मसाले हैं वो डाल देते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और ये नमक। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से भून लेंगे, टमाटर भी गल जाएगा, वैसे तो दाल में टमाटर गल ही जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। फ्रेंड्स टमाटर मसाले सब भून गए हैं, देखिए किनारे तेल छोड़ दिया है। अब हम ये जो दाल धो करके रखे थे वॉश करके इसको डाल देते हैं पूरा। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, बस इतना पानी ऐड करेंगे। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं, बंद करके कम से कम 6 से 7 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स देखिए दाल हो गई है, 6 से 7 सीटी आ गई थी, बल्कि 8 सीटी आ गई, तो मैंने इसको खोल के प्रेशर निकल गया, उसके बाद मैंने खोल के देखा है, तो ये देखिए दाल एकदम अच्छे से गल गई है। अब मैं इसको ऊपर से भी तड़का दूंगी, तो उसके लिए मैंने एक छोटे से फ्राई पैन में ये तेल लिया हुआ है। तेल गरम हो जाए तो ये प्याज डालूंगी, इतनी एक पोटली मैंने प्याज ली है बड़ी साइज की, ये डाल देती हूँ। ये 2 मैंने लाल मिर्च ली थी, इसको मैंने आधा आधा कर लिया है, इसको भी डाल दे रही हूँ।
एक चुटकी हींग। अब ये अच्छे से लाल हो जाए उसके बाद फिर डाल दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज लाल हो गई है। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने कटोरी में आधी चम्मच जीरा और काली मिर्च भून करके पीस करके लिया है। अब इसमें मैं दाल डाल करके मिक्स करके इसमें डालूंगी। इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। इसमें डाल दूंगी मेरी दाल। फ्रेंड्स रेडी है। फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं।